स्पेयर पार्ट भी मिल जाएगा, हर चीज़ बम्पर अलॉय, मतलब पूरी टोटली गाड़ी मिल जाएगी आपको। शिफ्ट का जो दरवाज़ा मिलेगा आपको 2014-15 मॉडल का, वो 3000 रुपये की रेंज से स्टार्टिंग है उसकी। कौन सी गाड़ी के चाहिए आप ये बताइए। ये काली व्हील व्हील मिलेंगे आपको 12000 रुपये के। जैसे i10 का हुआ, i10 का 2000 रुपये, 1500 रुपये स्टार्टिंग है, 1500 से स्टार्टिंग है। अलॉय व्हील्स हैं उसमें, 12 इंच का क्या प्राइस है अपने पास? टायर 90% माल देंगे आपको टायर पे। ये मायापुरी है, अगर चारों दरवाजे लेते हैं तो चारों दरवाजे आपको पड़ेंगे 10000 रुपए के। ये देखो भाई, यहाँ पे बम्पर ऐसे सुखाए जा रहे हैं जैसे कपड़े की तरह लोग डाल देते हैं ना। शिफ्ट का हो जाता है, उसके अंदर इंडिकेटर वाले साइड में होते हैं हमारे पास, वो होंगे आपके 1000 रुपए का पीस पड़ेगा। वेलकम बैक दोस्तों, कार म्यूजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रीत दुबे आज लेके आया हूँ एक और नया वीडियो। गाइस आज का वीडियो है दिल्ली में एक मायापुरी जो मार्केट है उसके फुल रिव्यू पे। मैं पहली बार जा रहा हूँ मायापुरी। अगर आप मेरा चैनल देखेंगे तो अभी तक मायापुरी से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। काफी लोगों के कमेंट आए थे कि भैया यार एक ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें थोड़ा सा रिव्यू मिले मायापुरी का क्या है। कुछ लोग बोलते हैं फेक है, कुछ लोग बोलते हैं बहुत सस्ता है, कुछ लोग बोलते हैं जो चोरी होकर गाड़ी आती है उसके पार्ट्स वहां मिलते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि सेकंड हैंड पार्ट्स मिलते हैं। तो अभी मैं तो गया नहीं हूं कभी, लेकिन आज मैं जाऊंगा और ऑन द वे हूं और पहुंच के देखूंगा कि वाकई वहां पे जो प्रोडक्ट हैं जो भी है, टेल लाइट सस्ती मिल जाती है, हेडलाइट सस्ती मिल जाती है, अलॉय व्हील्स सस्ते मिल जाते हैं, और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारी एक्सेसरीज भी हम बोल सकते हैं जो वहां पे काफी सस्ती मिलती है। तो आज मैं जा रहा हूं और विजिट कर रहा हूं मायापुरी के इस माया जाल में और देखूंगा कि किस तरीके से मैं एक्सप्लोर कर सकता हूं बेस्ट से बेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि मायापुरी का जो बाजार है उसमें क्या क्या मिलता है। मैं मायापुरी तो आ गया हूं, लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये सामान जो मिलता है सेकंड हैंड वाला वो कहाँ मिलता है, तो मैं अभी किसी से पूछ लेता हूं पहले। अभी मैंने पूछा है भैया से, पहली ही रेड लाइट से मुझे लेना है राइट, और राइट के बाद मस्जिद के पास पार्क है, वहां से फिर एक राइट और लेना है। तो अभी चलते हैं। सतगुरु राम सिंह मार्ग से मुझे राइट लेना है। ये पहला जो राइट है ये तिहाड़ जेल से जब हम आते हैं, मैं तो वैसे द्वारका मोड़ से आ रहा हूँ, तो वहां से पहला राइट है और यहाँ पे ये राइट हमने लिया। इसके बाद इस वाले रास्ते पे जाना है हमें। पहला तो यहाँ पे ट्रैफिक बहुत होता है, आप देखेंगे काफी ज्यादा ट्रैफिक है। ये स्विफ्ट वाला तो भाई बच गया बिल्कुल ट्रक से। आप देख सकते हो यहाँ की हालत, बिल्कुल टच होते होते गाड़ी बच गई स्विफ्ट वाले की। तो भाई ट्रैफिक का देख लो, गाड़ियां यहाँ बिल्कुल जो है कबाड़ा भी हो जाती हैं। अगर ये ट्रक वाला मार देता तो उसकी हालत खराब हो जाती है। हालांकि पार्ट्स भी सस्ते मिल जाते हैं तो नुकसान ज्यादा नहीं होगा, फिर भी संभल के आए। तो अभी हमें थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जो माहौल है वो दिखने लगा है, टायर वायर और जो अलॉय व्हील्स का मार्केट है वो भी थोड़ा बहुत दिखने लगा है। अभी हम चलेंगे जो मेन मार्केट है उसके अंदर और देखेंगे जो मस्जिद से इन्होंने राइट बताया है वो मार्केट कैसा है। नो डाउट यहाँ घुसते ही आपको दिख जाएगा वो माहौल जो ऑटो पार्ट्स का या सेकंड हैंड कार्स का होता है, और काफी सारे पार्ट्स पड़े हुए हैं। मुझे तो लग रहा है यहाँ सब कुछ मिल जाएगा सेकंड हैंड। तो बेसिकली जो बताया था मुझे उस हिसाब से पार्क तो आ गया है, अभी मस्जिद से राइट लेना है तो आगे जाके हम राइट भी लेते हैं और देखते हैं भाई क्या क्या है इस माया नगरी में। तो जो पहला राइट हमने लिया है यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए भाई अलॉय व्हील्स वगैरह रखे हुए हैं और ये सेकंड हैंड यहाँ पे पार्ट्स, ये देखिए थार के अंदर भी काम हो रहा है और भी बहुत सारी शॉप हैं। अब मैं किस शॉपकीपर से बात करूं ये समझ नहीं आता, क्योंकि भाई ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है तो रेंडमली मुझे किसी से भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आज मुझे किसी ने बुलाया नहीं है, मैं खुद आया हूँ। तो देखते हैं कैसा है यहाँ पे माहौल, और वाकई यहाँ तो काफी सारे पार्ट्स दिख रहे हैं सेकंड हैंड टाइप। अब आगे देखते हैं। ये काली व्हील व्हील मिलेंगे आपको 12000 रुपए के। 12000 रुपए की, ये किस कार में लगता है बेसिकली? ये अल्टो, वैगनर, सेंट्रो, बहुत सी गाड़ियों में लगेगा जो छोटी गाड़ी है। ब्रेजा के लिए, ब्रेजा के लिए भी मिल जाएगा। ये रहा 16 इंच में ब्रेजा के लिए, ये टायर के साथ आपको दे देंगे 25000 रुपए में। जेके कंपनी का टायर है। टायर चल जाएगा ये 2-4 महीने, टायर चले कस्टमर का, ना चले हमारा। अच्छा, तो ऑलमोस्ट अगर बात करें तो आपका जो काम है वो है अलॉय व्हील्स का और टायर्स का। अलॉय टायर, बाकी ये एक शॉप है हमारी, इसमें 4 जिंदे बैठे हुए हैं, एसी वाला भी है, बम्पर वाला भी है, डेंट पेंट भी है और टायर अलॉय वाला भी है। तो अलॉय व्हील्स का जो प्राइस है वो स्टार्टिंग 12000 से जी, जो कि अल्टो वगैरह में लगता है ये रहा। और यहाँ पे जो एक मैक्स साइज है, लाइक अगर बात करें 18 इंच का या 18 इंच में ये मिल जाएगा हमारे पास। ये न्यू है, डब्बा पैक, टायर भी इस पे ओरिजिनल लगा हुआ है मिशलन कंपनी का। ये रहा प्राइस है इसका, ये 48000 रुपए की स्टेपनी मिलेंगी टायर के साथ।
टायर के साथ 48,000 रुपए जी। न्यू है, डब्बा पैक व्हील, हर चीज मिल जाएगी आपको मार्केट के अंदर, स्पेयर पार्ट भी मिल जाएगा हर चीज, बम्पर अलॉय, मतलब पूरी टोटली गाड़ी मिल जाएगी आपको। अच्छा, अगर आप लेना चाहें जी, छोटी गाड़ी से लेके बड़ी गाड़ी तक सब यहाँ से घूमते रहिए। आगे जाइए, यहाँ से आगे जाके राइट होइए, पूरी मार्केट आपको दिखेगी, सब चीज की आप वीडियो बना सकते हो, पूरी वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। एक बार बोल दीजिए, हमारा एड्रेस है मायापुरी डी ब्लॉक D1 50 जी 50। ओके, एक और शॉप है, इनसे भी हम बात करते हैं। भैया जो अलॉय व्हील्स हैं उसमें 12 इंच का क्या प्राइस है अपने पास? ₹6,500 में मिल जाएगा। और 18 इंच? 18 इंच मिल जाएगा आपको ₹25,000 के। वो सेकंड हैंड होगा या न्यू होगा? यूज्ड होगा। ओके, सो अगर टोटली इस लाइन की बात करें तो इसमें अलॉय व्हील्स और बम्पर का ही पूरा मार्केट है। आगे अगर हम वीडियो बनाना चाहें तो किस तरफ जा सकते हैं, जहाँ पे हमें और भी प्रोडक्ट मिले? लेफ्ट होकर राइट मस्जिद के पास, मदीना मस्जिद के पास वहाँ और बड़ा मार्केट है इससे। स्पेयर पार्ट मिलते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो वहाँ से, कोई भी पार्ट्स वगैरह। यहाँ पे पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पे बम्पर वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। अलॉय व्हील्स की बात करें, लाइट की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ लोग टेल लाइट भी डलवा रहे हैं। टेल लाइट की अगर प्राइस की बात करें तो एक बार पूछते हैं, भैया कितने में ली टेल लाइट आपने? अच्छा, बेचते हो, कितने की बेची है एक बार बताओगे? बैक लाइट यहाँ पे आप देखेंगे ₹5,000 में ये लोग फिट करके भी दे रहे हैं। तो यार मार्केट में कहीं ना कहीं आपको प्राइस का तो मिल ही जाएगा, बाकी क्वालिटी की अगर बात करें तो ये भैया सेकंड हैंड होते हैं, न्यू होते हैं? सेकंड हैंड होते हैं, लेकिन अगर बंदा कंपनी में जाएगा तो आई थिंक उसका बिल बनेगा 10,000 से 15,000। तो यहाँ पे कुल मिला के एक अच्छा रेंज मिल जाता है, बस आके आप खुद देख के ही प्रोडक्ट लगवाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन मंगाने की कोशिश करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनको नुकसान हो जाता है। तो एक बार विजिट कर सकते हैं आप, इनका जो काम है वो है टेल लाइट का। हेडलाइट भी बेचते हैं आप? साइड मिरर और टेल लाइट का यहाँ पे मिल जाएगा आपको। आगे की लाइन की बात करें तो आगे भी मैं चलता हूँ और देखता हूँ कि कुछ क्या हमें मिलेगा। बाकी ये जो लाइन मुझे दिख रही है टोटल, वो दिख रही है अलॉय व्हील्स की। अब मस्जिद के पास वाला जो मार्केट है वो भी काफ़ी फेमस है, वहाँ पे भी चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ वहाँ पे प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे इंजन के पार्ट्स की बात करेंगे तो भाई यहाँ पूरा मार्केट है और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, काम हो रहा है, कुछ लोग हेडलाइट लगवा रहे हैं, कुछ लोग टेल लाइट लगवा रहे हैं और बहुत सारी एक्सेसरीज़ है। अलॉय व्हील्स की बात करें तो ये वाली जो पूरी लेन है, यहाँ पे कहीं ना कहीं अलॉय व्हील्स का एक बड़ा क्रेज़ है लोगों में, अलॉय व्हील्स का पूरा एक मार्केट है जहाँ पे एक अच्छी खासी रेंज आपको देखने को मिलेगी। प्राइस की बात करें तो भाई कहीं 12,000 बता रहे हैं, कहीं 6,000 बता रहे हैं, तो प्राइस तो आप आके देख लें। बाकी ये है वो चौक जो कि बहुत फेमस है, यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं और यहाँ पे एक रेंज भी आपको देखने को मिलेगी, काम भी लोग करवा रहे हैं, टेल लाइट हो, हेडलाइट हो, अलॉय व्हील्स हो, ये सारी रेंज जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर सेकंड हैंड पार्ट्स की बात करें तो एक बहुत बड़ा मार्केट है। अभी एक भैया और बुला रहे हैं, इनकी शॉप पे भी जाके देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे मिलता है। तो ये जो इनकी शॉप है वो है अलॉय व्हील्स की और यहाँ पे टायर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, अभी इनसे बात करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे अगर रेंज की बात करें तो बहुत सारी शॉप हैं, आप अगर आते हैं तो आपको खुद एक बार यहाँ पे अगर कंपेयर करते हैं प्राइस तो बहुत सारी दुकानें हैं, एक अच्छा रेट आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करें अलॉय व्हील्स की और टायर्स की तो बहुत ज़्यादा दुकान मुझे यहाँ पे देखने को मिली अलॉय व्हील्स और टायर्स की। ये आपको 16 इंच भी मिल जाएगा, 17 भी 18 भी। अच्छा, 18 इंच के प्राइस की बात करें तो 18 इंच 18 इंच ही आपको मिल जाएगा 25 से 30 हज़ार की रेंज में, विद टायर। क्या लाइफ रहती, चल जाते हैं टायर 90% माल देंगे आपको टायर पे। ओके, हाँ। तो अगर बात करें सबसे छोटे साइज की जो कि लगता है अल्टो में 12 इंच, उसका क्या प्राइस है, कुछ एक आध पीस मुझे दिखाएंगे आप? 12 इंच हमारे पास होता नहीं। अच्छा। हमारे पास 15 इंच के ऊपर ही ऊपर सारे साइज मिलेंगे। क्या प्राइस रहता है? 15 इंच का 20,000 का सेट है विद टायर। अच्छा, क्या आपके हिसाब से लाइफ रहती है इन अलॉय व्हील्स की, लाइक ये सेकंड हैंड होते हैं तो चल जाते हैं 2-3 साल ज्यादा चल जाते हैं? अगर आप हमसे 20,000 का सेट लेते हैं तो हम 17,000 का वापसी ले लेंगे 6 महीने बाद भी। अच्छा, इतनी अच्छी क्वालिटी होती बिल्कुल, है? बिल्कुल बिल्कुल। किस नाम से अपना यहाँ पे दुकान है और क्या लोकेशन? ये सलमान टायर हाउस, श्रीराम धर्मकाटा। श्रीराम धर्मकाटा के पास से है? हाँ। अच्छा, D1/64। और ये जो चौक है ये काफी फेमस है, डी ब्लॉक का चौक यही है? जी 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 जी। अब हमें जाना है मस्जिद के पास, तो मस्जिद कहाँ पे? आगे से राइट हो जाइए सर, आप आगे से राइट हो जाएंगे। जी जी। अभी अलॉय व्हील्स और टायर्स के मैंने काफी सारी शॉप देखी है, अगर हम बात करें और पार्ट्स की तो वो पार्ट्स हमें कहाँ पे मिलेंगे कुछ? ये आपको मस्जिद के पास ही मिलेंगे, मस्जिद वाली गली। जी 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 जी। मस्जिद के आगे पीछे? मस्जिद के आगे, मस्जिद के सामने, मतलब चारों तरफ ही मार्केट ही मार्केट है। ये है मोहम्मद आबिद की शॉप और ये है इसके ओनर। अगर बात करें आपकी तो काफी लोग तारीफ कर रहे थे, पीछे काफी सामान मिलता है आपके? सारा अवेलेबल मिलता है, एसी पार्ट, एसी कंप्रेसर अवेलेबल,
पूरी रिपेयरिंग होती है अपने पास। ओके, तो एसी के जो पार्ट्स रहते हैं, एसी का जो सामान है वो पूरा आपके पास मिल जाता है, अवेलेबल भी आप करके देते हैं? जी जी जी। तो अगर कॉस्ट की बात करें तो क्या कुछ पार्ट्स का कुछ कॉस्ट बोलेंगे आप, कितना क्या? सारे गाड़ी का, छोटी गाड़ी का कराओगे तो 6,000, 7,000, 5,500। ओके, सबका अलग अलग कॉस्ट है, जो पार्ट्स लगते हैं उसके हिसाब से ही होती है ना? जी जी जी। तो आपका जो दुकान है वो डी ब्लॉक चौक के पास है? जी जी, D162। नंबर भी इनका दिया गया है, तो आप इनकी शॉप पे आके अपनी कार का एसी सही करवा सकते हैं, या कुछ पार्ट्स चेंज भी होते हैं तो इनके पास सेकंड हैंड पार्ट्स मिल जाते हैं, तो आप इजीली अपनी कार में अपनी एसी को बेहतर बना सकते हैं। स्विफ्ट का अगर बम्पर कोई खरीदे तो क्या प्राइस लगेगा उसका? 1,000 रुपए में यहाँ पे बम्पर मिल जाएगा, 800 में भी मिल जाएगा, क्वालिटी पे डिपेंड है कितना क्या डैमेज रहता है, वो सब कुछ है। बाकी अगर बात करें यहाँ पे तो बम्पर की एक अच्छी रेंज आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टॉक भी है, अलॉय व्हील्स का तो है ही, टायर्स का तो है ही, साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे जो बम्पर वगैरह हैं वो काफ़ी मात्रा में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखो भाई, यहाँ पे बम्पर ऐसे सुखाए जा रहे हैं जैसे कपड़े की तरह लोग डाल देते हैं ना, वैसे यहाँ पे बम्पर सुखाए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे चेसिस वगैरह भी मिल जाते हैं, चेसिस की भी बहुत सारी शॉप हैं। ये मस्जिद के बिल्कुल सामने वाली गली है, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे पार्ट्स मिलेंगे, नो डाउट एक बहुत बड़ी रेंज आपको मिलेगी। बम्पर की बात करें तो बम्पर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। दिल्ली कैंट के अंदर पड़ता है ये मायापुरी, मायापुरी ओके, दिल्ली कैंट में मायापुरी है, बालाजी धर्मकांटे के पास जस्ट बराबर में दुकान है मेरी, बालाजी धर्मकांटे के जस्ट बगल में आपकी दुकान है। हाँ। अगर यहाँ पे देखें तो बहुत सारे दरवाजे भी रखे हुए हैं कार के, तो दरवाजे का प्राइस कौन बताएगा एक बार? दरवाजे का पूरा रेंज मुझे दिख रहा है यहाँ पे, जी अंदर भी देखेंगे तो बहुत सारी, बहुत सारे, आई आन के दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे एक बड़ी रेंज आपको देखने को मिलेगी। दानिश जी एक बार प्राइस भी हमें बताते चलिए प्लीज। मोदी शिफ्ट का जो दरवाजा मिलेगा आपको 2014-15 मॉडल का, वो 3,000 रुपए की रेंज से स्टार्टिंग है उसकी, मात्र 3,000 रुपए, मात्र 3,000 रुपए में, मतलब पेंट वेंट करा के बंदा 5,000 में दरवाजा नया कर सकता है। हाँ, पेंट आपको ही कराना पड़ेगा उसमें, टाइम भी मुझे लगता है एक दिन में ये सारा काम हो जाएगा। जी, जैसे कि ये है दरवाजा शिफ्ट का, ये शिफ्ट का दरवाजा है, इस पे सिर्फ पेंट करानी होगी, पेंट कराना पड़ेगा इसके ऊपर, और कुछ दरवाजे ऐसे होंगे जो आपको पेंट भी नहीं कराने पड़ेंगे। ओके, सिर्फ की जो टेल लाइट होगी वो तकरीबन 500 रुपए की पड़ेगी। तो अभी एक सर और जुड़ चुके हैं साथ में, सर एक बार टेल लाइट की क्वालिटी मेरे को दिखा दीजिए। देखिए आप, टेल लाइट कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सेकंड हैंड है, थोड़ी सी अगर पॉलिश वॉलिश लगाओगे तो बिल्कुल न्यू हो जाएगी। क्या प्राइस रहता है इसका? ये 900 रुपए की लाइट रहती है, 900 रुपए की मात्र ये लाइट आपको मिल जाएगी। इसमें बल्ब वगैरह भी रहता है, डालने पड़ते हैं बल्ब, होते हैं कंप्लीट होती है लाइट? अच्छा, कंप्लीट रहती है, बस आपको अपनी गाड़ी में फिट करवाना है सीधा सीधा। सो ऑलमोस्ट क्वालिटी आप देख सकते हैं। हेडलाइट की बात करें तो एक बार प्लीज हेडलाइट भी दिखाइए। कंपनी में 2800 रुपए की लाइट है लोकल में, 2800 रुपए की लोकल में लाइट है। ये हम देंगे 1200 रुपए की लाइट, 1200 रुपए की, ये यहाँ पे आपको मात्र 1200 रुपए में मिलेगी। क्वालिटी आप देख सकते हैं, क्वालिटी काफी जबरदस्त है। और हेडलाइट की बात करें तो लगभग सभी कार्स की हेडलाइट आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, एक बड़ी रेंज आपको देखने को मिलेगी। और आप देखेंगे एक हेडलाइट ये भी रखी हुई है, थोड़ा सा क्लीन वगैरह करवा के अगर आप लगाते हैं तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी, तो प्राइस आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। दरवाजे जो है ना, हर तरह के, मतलब हर गाड़ी के जो अलग अलग रेट होते हैं, जैसे i10 का हुआ, i10 का 2000 रुपये, 1500 रुपये स्टार्टिंग है, 1500 से स्टार्टिंग है। i10 ग्रैंड का हुआ, वो 2000 रुपये से स्टार्टिंग है, वो बोनट है, ये 100 रुपये के दरवाजे ही है। वैगनार की बात करें तो वैगनार का क्या कुछ प्राइस पड़ता होगा? वैगनार का राइट का दरवाजा 3500 रुपये का, लेफ्ट का दरवाजा जो है ना 2500 रुपये का। ओके, सो अगर हम अगर चारों दरवाजे लेते हैं तो चारों दरवाजे आपको पड़ेंगे 10,000 रुपये के, मात्र 10,000 रुपये। बस उसको पेंट करवाना है, डेंट खाली नहीं डेंट नहीं करवाना, खाली पेंट कराना है बस। हमारे पास महिंद्रा का SQB का दरवाजा जैसे कि ये रखा हुआ है, और i10 वगैरह के ये सब हैं, साइड मिनर है हमारे पास, अप्रोने भी मिल जाती है हमारे पास, फुल बॉडी नहीं होती हमारे पास, फेंडर भी अपने पास मिल जाते हैं। हाँ, जैसे कि ये रखे हैं फेंडर, इसके अलावा और बहुत हैं वैरायटी हमारे पास, बहुत सारी वैरायटी आपके पास देखने को मिल जाएगी, दरवाजे में, फेंडर में, टेल लाइट में, हेडलाइट में, और साइड मिरर का भी काफी बड़ा काम है आपका। जी, साइड मिरर का भी प्राइस आप एक, अगर हमारे वीडियो से कोई आता है तो उसको एक अच्छा प्राइस आप दे सकते हैं। जी, तो नो डाउट आप यहाँ पे अगर आते हैं तो आपको एक जेन्युइन प्राइस मिल जाएगा, यहाँ पे कोई ऑनलाइन ऑर्डर नहीं लगता, आपको खुद आना पड़ेगा और इसी जगह से लेके अपनी कार में प्रोडक्ट को इंस्टॉल भी करवाना पड़ेगा। और साइड मिरर भी जेन्युइन होंगे, ये नहीं कि लोकल, लोकल नहीं होंगे, जेन्युइन साइड, जेन्युइन साइड में होंगे, कंपनी वाले, और वर्किंग होंगे, वो वर्किंग होंगे सब। तो अभी जो डी ब्लॉक वाला चौक है उसके सामने वाली गली में हम आए थे, जहाँ पे हमने दानिश जी से बात की, और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे स्टेयरिंग का भी काम है। तो मैं हर एक की शॉप पे तो नहीं जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेयरिंग भी मिल जाएंगी सेकंड हैंड, और आपको एक अच्छा रेंज मिलेगा नो डाउट, जो बंदे
कंपनी से अफोर्ड नहीं कर सकते चीज़ें वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, चाहे वो बम्पर हो, चाहे वो स्टेयरिंग हो, चाहे वो आपके साइड मिरर हो, दरवाजे हो, फेंडर हो, बहुत सारी रेंज आपको देखने को मिलेगी। सो यहाँ पे आपको जो रेंज है वो कहीं ना कहीं इतनी मिल जाएगी कि आप एक नई कार बना सकते हो सेकेंड हैंड पार्ट से। यहाँ पे स्टेयरिंग हो, लाइट हो, हेडलाइट हो, टेल लैंप हो, ये है वो मस्जिद जहाँ पे सारा सामान आपको मिल जाएगा सेकंड हैंड। अगर स्क्रैप की बात करें तो स्क्रैप भी बहुत अच्छा खासा मिल जाएगा। बहुत सारी दुकानें हैं, अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट रहती है वो कहीं ना कहीं 110% फुलफ़िल होती है तो आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। कुल मिला के जो मायापुरी का बाज़ार है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है और बहुत सारे पार्ट्स आपको सस्ते भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको विजिट करना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन की बात करें तो भाई किसी को कोई पैसा ट्रांसफ़र मत करना, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है सब भाई वही माल है दो नंबर वाला। तो एक बार विजिट करो, नो डाउट आपको एक प्राइस अच्छा मिल जाएगा और थोड़ा सा क्वालिटी की आपको नॉलेज है तो आपको एक अच्छा खासा जो है प्रॉफिट भी हो जाएगा अपनी कार के लिए। बाकी अगर हम अलॉय व्हील्स की बात करें तो यहाँ पे अलॉय व्हील्स का एक बहुत बड़ा रेंज मुझे देखने को मिला, नो डाउट आप बैक साइड में भी देख सकते हैं। अलॉय व्हील्स तो यहाँ पे बहुत सारे हैं तो अलॉय व्हील्स का रेंज तो आपको अच्छा खासा मिल ही जाएगा। बाकी अगर कुछ और एक्सप्लोर करने के लिए मुझे मिलता है तो मैं अगले वीडियो में उसको करूँगा। बाकी नो डाउट मायापुरी में वाकई काफ़ी सामान सस्ता है।